हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 5 जनवरी 2021 और 5 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको बता देता हूं। टेलीग्राम का नाम है एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद मी। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहाँ पर आप सर्च करोगे टेलीग्राम में जाकर तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप पीडीएफ देख सकते हो टेलीग्राम से लिंक होकर। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सभी लेटेस्ट वीडियो जिससे आपको मिलती रहेंगी। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? तो देखो, किस राज्य ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत करी है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 6 जनवरी 2021 से इसको शुरू करने जा रही है, जिससे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अब देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार में इस टाइम पर सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और यहाँ की राजधानी लखनऊ है। और यहाँ का हाईकोर्ट कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। तो इतनी बातें आपको उत्तर प्रदेश से याद रखनी है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसान कल्याण मिशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है। देखो, ये है योगी आदित्यनाथ जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर दो पर। क्वेश्चन नंबर दो है, हाल ही में किस मंत्रालय ने खिलाड़ियों को रेल किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। रेल किराए में जो छूट मिलती थी खिलाड़ियों को, उस छूट को बंद कर दिया गया है, और ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? दोस्तों, आंसर होगा इसका रेल मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? रेल मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया है। अब रेल मंत्रालय ने किया है तो रेल मंत्रालय की बात कर लें। यहाँ पर रेल मंत्रालय में चेयरमैन जो हैं वो कौन है? विनोद कुमार यादव। चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव। जबकि यहाँ पर कार्यकारी निदेशक या इनको अध्यक्ष बोल सकते हैं, वो कौन है इस टाइम पर? वो है सुनीत शर्मा। कौन है? सुनीत शर्मा को बनाया गया है। हमारी रेलवे, भारतीय रेलवे की जो शुरुआत हुई थी वो 1953 से हुई थी दोस्तों, सॉरी 1853 से इसकी शुरुआत हुई थी 1853 से। और सबसे पहली रेल चलाई गई थी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में। 34 किलोमीटर लंबी ये रेल चलाई गई थी। तो ये क्वेश्चन इसमें याद रखने, इससे रिलेटेड पॉइंट देखो, ये भारतीय रेलवे की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन है, हाल ही में अपनी विरासत को अपनाओ, अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना पोर्टल मंत्रालय और किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये क्वेश्चन है कि अपनी विरासत को अपनाओ, अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना पोर्टल मंत्रालय और किस मंत्रालय ने इसको शुरू किया है? तो आंसर होगा इसका संस्कृति मंत्रालय। तो दो मंत्रालय हैं इसको शुरू करने वाले, एक तो पोर्टल मंत्रालय है और दूसरा कौन सा है? संस्कृति मंत्रालय। अब देखो, संस्कृति मंत्रालय और पोर्टल मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। तो संस्कृति मंत्रालय की बात करें तो इसके जो इस टाइम पर केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने इसको शुरू किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। तो देखो, ये है आपका संस्कृति मंत्रालय, प्रहलाद सिंह पटेल इसके कौन है? केंद्रीय मंत्री हैं। इसको याद रखो, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर। क्वेश्चन नंबर चार है, हाल ही में कर्नल नरेंद्र बुल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखो, कर्नल नरेंद्र बुल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आंसर होगा इसका पर्वतारोही थे। कौन थे? पर्वतारोही थे। और उनका 87 ईयर्स की एज में दिल्ली के अंदर इनका निधन हो गया है। पर्वतारोही थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, ये हैं कर्नल नरेंद्र बुल। कौन है ये? कर्नल नरेंद्र बुल। और इनकी 87 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया है। तो याद रखोगे, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर पाँच है, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स और इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो देखो, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो आंसर होगा इसका जेफ बेजोस। क्या आंसर होगा? जेफ बेजोस। अब देखो, जेफ बेजोस की बात करें तो ये जेफ बेजोस अमेजन कंपनी है आपकी, अमेजन कंपनी के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस हैं। पहली बात याद रखनी है ये। और इसमें देखो, पहले नंबर पे जेफ बेजोस हैं, जिनकी संपत्ति कितनी है इस टाइम पर? 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कितनी है? 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर। दूसरे नंबर पे जो है उनका नाम है एलोन आर मस्क।
कौन है, एलोन आर मस्क, और इनकी संपत्ति 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। और तीसरे नंबर पे कौन है इसमें, बिल गेट्स, कौन है, बिल गेट्स, और इनकी संपत्ति 132 मिलियन डॉलर है, मिलियन अमेरिकी डॉलर है। और जो अनिल अंबानी है वो कौन से नंबर पे है दोस्तों, वो 12वें नंबर पे हैं। कौन से पर हैं, 12वें नंबर पे हैं। देखोगे अभी मैंने एक क्वेश्चन और कराया था ब्लूमबर्ग बिलियनर्स रिपोर्ट के मुताबिक ही, कि अभी तक एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा एशिया में सीड्स पर रहने वाले व्यक्ति अनिल अंबानी होते थे, लेकिन उनको चाइना के एक बोतलबंद कंपनी के मालिक थे जिनका नाम मैंने बताया था आपको, झांग शानशान ने उनको पीछे कर दिया है। तो अभी एशिया में भी वो दूसरे नंबर पे हैं, पूरे विश्व में 12वें नंबर पे हैं। तो ये वाली बात याद रखोगे। और ये किस रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा हूँ मैं आपको, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स रिपोर्ट के मुताबिक ये मैं डेटा आपके लिए बता रहा हूँ पूरा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो ये हैं जेफ बेजोस, जो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं पूरे वर्ल्ड में अरबपतियों की लिस्ट में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन पाँचवा, इसका आंसर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर छः है दोस्तों, हाल ही में चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो देखो ये चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया गया है केरल में। अब केरल में आयोजित किया गया है, तो केरल की बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या है, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। इसके अलावा केरल के सीएम कौन है, पिनरई विजयन, कौन है, पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है। इसके अलावा यहाँ के गवर्नर कौन है, केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद, कौन है, आरिफ मोहम्मद केरल के गवर्नर हैं। तो केरल से इतनी बात आपको याद रख लेनी है। देखो दोस्तों अब देखो ये जो किया है इसका आयोजन यहाँ पर हमने आपके लिए बताया है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये किया है आपके राज्य केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है मुरलीधरन, मुरलीधरन ने इसको किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस क्वेश्चन को भी आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर देखो ये सात है, हाल ही में किस राज्य में तमिल अकादमी की स्थापना की गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहेगा आपके लिए। तमिल अकादमी की स्थापना की गई है दोस्तों दिल्ली के अंदर, दिल्ली में तमिल अकादमी की स्थापना की है, और दिल्ली के अंदर ये स्थापना तमिल अकादमी की है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, कौन है, मनीष सिसोदिया, उन्होंने 3 जनवरी को इसकी स्थापना की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तमिल भाषा और उसकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है मनोज सिसोदिया के द्वारा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर है 8, हाल ही में किस देश ने लोगों को रात में छोटे ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है। तो देखो एक कौन सा देश है जिसने बोल दिया है कि आप रात के अंदर छोटे ड्रोन उड़ा सकते हो, तो इसका आंसर है दोस्तों बी, अमेरिका। किसने, अमेरिका, अमेरिका ने बोल दिया है कि आप छोटे ड्रोन उड़ा सकते हो। अब बात अमेरिका की है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति इस टाइम पर कौन है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, कौन है, जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो अभी हाल फिलहाल बने हैं। और यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस, कौन है, कमला हैरिस यहाँ पर उपराष्ट्रपति हैं। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस बात को भी याद रख लेना है आपको, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपके लिए। तो देखोगे यहाँ पर ये ड्रोन की एक तस्वीर है कि आप इनके माध्यम से कमर्शियल पैकेज डिलीवर कर सकते हो, और इसमें सहायता मिलेगी कमर्शियल पैकेज डिलीवर करने के लिए, तो इसका ये दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में तूफानी बेला के कारण किस देश ने 50% से भी अधिक की बिजली उत्पादित करी है। तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तूफान आया, और तूफान आने के कारण तो तूफान की जो एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज किया, और उससे 50% जितनी बिजली उत्पादित करता है वो देश, उसकी 50% उसने उसी तूफान से उत्पादित कर ली है। और ऐसा करने वाला देश कौन है, ब्रिटेन है, कौन है, ब्रिटेन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन ने ये काम किया है, अपनी जो तूफान आया उस तूफान को उसने इलेक्ट्रिक उसमें एनर्जी में कन्वर्ट करके बिजली उत्पादित की है। ब्रिटेन की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ब्रिटेन की जो राजधानी है वो लंदन है, और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टार्लिंग, क्या है, पाउंड स्टार्लिंग, ठीक है ना। बोस जोस मॉरिशन यहाँ के कौन है, पीएम है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, आपको जॉनसन, ठीक है। आगे आते हैं देखोगे क्वेश्चन नंबर है 10, हाल ही में टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी सुपर चार्जर्स सुविधा कहाँ शुरू की है। तो वो टेस्ला कंपनी है, और टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी सुपर चार्जर्स सुविधा शुरू की है दोस्तों चीन के अंदर, कहाँ पर की है, चीन के अंदर ये सुविधा
टेस्ला ने शुरू किया। अब चीन में की है तो चीन की बात कर लें। चीन के इस टाइम पर जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी। तो इतनी बात आपको चीन से याद रख लेनी है, आपको ये चीन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दोस्तों आज की वीडियो में 10 ही क्वेश्चन है और आज का टुडे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में कर्नाटक ने किस देश में 1000 पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को भेजा है? ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिए कमेंट में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो दोस्तों आंसर करो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसके। चलो टाटा बाय बाय।